कहां से आपको लग रहा है कि ये एक उस्ताद और एक शागिर्द की तस्वीर है? मुजरिम के खिलाफ सख्त नोटिस ले। तू कहेंगी ना तो मैं ब्याह ते ना दस शायर बुलावांगी, दस दस हजार रुपए वाले। उनकी बात को तुम इसलिए अपना बना रही हो ताकि तुम अहमद जरियाब से अलग हो सको। हाँ। और उसके बाद? इसके बाद सब आदमी हो जाए। तुम इतने फिक्र क्यों कर रहे हो मेरे चौबी वाले गुंडे? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात गौर से सुनो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई है। अब आगे तुमने समझदारी से चलना है और मज़ीद बदनामी से बचना है। वो कैसे? ये जो तुम्हारी फुप्पू मीठी मीठी जूतियाँ मार के गई हैं, तुम्हें नहीं समझ आए क्यों? नहीं। फरीद के लिए तुम्हारा रिश्ता चाहिए ना उन्हें। अल्लाह पूछे उस हुस्ना को, मैं भी वही सब कुछ सहना पड़ेगा जो मैंने सहा है। तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा इसलिए कि तुम अपनी मंजिल के इतने करीब थी। अम्मा आप परेशान क्यों होती हैं? तो कैसे ना परेशान हो, बेटी हो तुम मेरी। तुम्हारे लिए बड़े हसीन ख्वाब देखे थे मैंने, उस कमबख्त लड़की की वजह से वो सारे ख्वाब टूट गए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पप्पी बड़ी अच्छी है? एक नंबर की शातिर औरत है, अच्छी तरह से जानती है कि शादी के बाद तुम्हारे डैड का सारा कारोबार फरीद को मिलेगा और तुम्हारा भी पता है उसको कि तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, खुश रखोगी सबको। लेकिन वो फरीद बिल्कुल तुम्हारे तुम्हारे बाप जैसा है, मामू पे क्या? मामू मेरी बात सुने। नहीं, तुमने मेरी बात सुनी है जहार, और जो मैं कह रही हूँ तुमने वही करना है। कल तुम्हारी फुप्पू आएंगी, तुम्हारा रिश्ता मांगेंगी और हम हाँ करेंगे। शादी की जो सी तारीख मांगेंगे हम तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन तुम्हारी शादी के बाद फरीद को कारोबार में फंसे रहने देना। तुमने शायरी फिर से शुरू करनी है और सोचना को मजा चखा। मामा मेरी बात ना सुन ली मैंने तुम्हारी बहुत, तुमने वही करना है जो मैं कह रही हूँ। हुस्ना को मैं देख लूंगी। है इश्क मतलबी, उसे किस अदा के साथ जैसे दिया जलता रहे मुसलसल हवा के साथ दिल। हेलो, ये जा रहा है बाजी, मैं परवेज बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मिल सकती हैं? ठीक। आप खराब पालक भी बीच में डाल देते हैं, बड़ी जोर बाजारी हो गई है भाई इस मुल्क में। अरे देखो, अल्लाह से मैं कुछ और मांग लेती इस वक्त तो वही दे देता। पालक बना रही हूँ, जो जल्दी से ना लहसुन ला दे। और भी अगर कुछ चाहिए आपको तो बता दें, मैं बाहर जा रहा हूँ एक काम से। कौन सा काम, कहाँ जा रहे हो? घर का नक्शा बदलवाना। अभी तो बनवाया था नक्शा, इतनी जल्दी कैसे बदलने लगे? आपकी बात पे गौर किया ना शाजुबा जी, आप सही तो कह रही थी, आपने भी जॉब की, करियर बनाया, लेकिन आपको मालूम है कि घर में बावर्ची खाना कहाँ होना चाहिए। सच्ची बात तो ये है परवेज कि मुझे तो अंडा भी उबालना नहीं आता, लेकिन मैंने तो बहुत पहले फैसला कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी और हुस्ना की समझ नहीं आती, ये कैसा तालुक है? मुझे लगता है कि हुस्ना का जैसा मिजाज है ना,
कल को उसे लगा कि मेरे साथ रहना उसके फायदे में नहीं है तो वो तो मुझे भी छोड़ के चली जाएगी। अन्ना भी मर गई। परवेज तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं कुछ नहीं कर रहा खाला, बस अपने घर का नक्शा सीधा करवा रहा हूँ। मैं ना छाजू बाजी एक आम सा मामूली सा सीधा साधा इंसान, मैंने ये पैसे बड़ी मेहनत से कमाए। कल को हुस्ना मुझे छोड़ के कहीं भी चली जाती है तो ये अजीब सा घर जो मैं उसके मिजाज के मुताबिक बना रहा हूँ इसका मैं क्या करूँगा? ना इसे बेच सकूँगा ना ही किराए पे लेगा कोई। घर एक ही बार बनता है खाला, एक ही बार। मुझे लगता है कि मुझे अपना घर वैसा ही बनाना चाहिए जैसा मैं खुद, सीधा साधा। परवेज आप हुस्ना को उसके मुताबिक उसकी जिंदगी जीने दें, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा एक दोस्त बनकर। मगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। आप मेरी बहनों की तरह हैं और हुस्ना की सहेली हैं। जो बात मैंने हुस्ना से कहनी है ना, ना मैं कह सकता हूँ ना ही खाला कह सकती है। परवेज भाई मैं भी आपसे इसीलिए मिलने आई थी क्योंकि मुझे हुस्ना को एक पैगाम पहुँचाना था। एक ऐसी बात है जो मैं खुद भी नहीं कर सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसे बता दें। क्या बात? हुस्ना ने अहमद जरियाव और अपना ताल्लुक जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर रखा था। आपको इस बात का शायद इल्म ना हो। पता है छाजू बाजी ने बताया था। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद वो उनसे सारे ताल्लुक तोड़ना चाहती है और लोगों को ये बताना चाहती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। ये भी एक कंट्रोवर्सी करना चाह रही है। जानता हूँ आजकल वो यही सब कुछ कर रही। इसी सिलसिले में उसने मेरी और अहमद जरियाब की पिक्चर वायरल कर दी थी। इतना तमाशा हुआ मेरे खानदान में। ये तो गलत हुआ ना। मगर मेरी पप्पो ने सब बात संभाल ली और मेरी एक हफ्ते बाद मेरे कजन के साथ शादी है। उसकी दुकान है, पूल पैलेस, ब्रिज वगैरह की है। आप तो शायरा थी, हुस्ना की सहेली थी, तुम उनके साथ साथ थी। परवेज भाई मैं आपको यही बात तो समझाने आई हूँ। हुस्ना हुस्ना ना किसी की सहेली है ना किसी की सहेली बन सकती है। ना वो किसी से प्यार करती है ना ही किसी से प्यार कर सकती है। वो तो सिर्फ खुद से प्यार करती है और बस। मेरी मामा ने भी मुझे यही बोला है कि उससे हर तरह का ताल्लुक ख़त्म कर दूँ और मैं बस इसीलिए आपके पास आई हूँ कि आप उसे ये बात बता दें। आप खुद नहीं कह सकती। जो बात आप मुझे कहने वाले थे आप उसे खुद कह सकते हैं? नहीं ना, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान कह भी नहीं सकता। बात तो आपकी सही है लेकिन अब जो बात मैंने कहलवानी थी मैं वो भी नहीं कहलवा सकता क्योंकि आप तो उससे बात नहीं करेंगे। बात क्या है? यही बात जो आप कर रही हैं।
मैं हुस्ना से मोहब्बत करता रहा, उसकी हर बात मानता रहा, उसके साथ खड़ा रहा। उसने जो कहा मुझे लगा वही सच, और अगर कभी लगा ना कि सच नहीं है तो मैंने खुद को यकीन दिलाया कि यही सच। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देख रखा था सब। मंगनी पे भी जो हुआ उसके बाद भी और अब भी मैं उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन अब जो ये हरकतें करती फिर रही है गलत है। इस खाला की एक बड़ी उम्र के मर्द के साथ शादी कर दी गई। छाजोबाजी पढ़ते पढ़ते उनकी उम्र गुजर गई, उनकी शादी नहीं हो सकी, और वो पैनी वो तो बेचारी मरी गई। और अब आप, आपकी शादी भी तो अचानक हो रही है ना, ये सब वो है जो ऐसे नहीं होना चाहिए था ना। और इसके अलावा भी मैं रोज औरतों को जुल्म बर्दाश्त करते देखता हूँ, और ये हुस्ना औरत होते हुए भी मैडम अदीला का घर खराब करने चली थी, खाला बल्कीस को और बुरा बनवाया, और आपके साथ अब क्या किया? उसने खुद मुझसे कहा कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि इन्हीं बातों का दौर है। क्या है उसना? मैंने एक सच्ची मजबूत और अपने इरादों पे डट जाने वाली लड़की से मोहब्बत की, ये वो नहीं है, ये कोई और ही है। और अगर हो सके तो आप उसे कह दीजिएगा कि मैं अब उससे शादी नहीं करूंगा, मुझे उस हुस्ना से मोहब्बत थी, इस हुस्ना से नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बस आपको इस्तेमाल कर रही थी। मुझे इस्तेमाल करती, मुझे दुख नहीं था। मेरी ना मां नहीं है, बल्कि इस खाला ने अपने बेटों से बढ़ के प्यार दिया, चाचू बाजी ने भी अपनी औलाद समझा। मैं जानता हूं औरतों के साथ मुआशरे में जो होता है, मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि औरत अपना घर कैसे बनाती है, अपना घर बसाने के लिए उसे क्या कुछ करना। लेकिन ये हुस्ना हुस्ना हुसैन हुस्नी ये वो नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं परवेज भाई, लेकिन इस मुआशरे में जो औरत के साथ होता रहा है या जो कुछ हो रहा है, उसना जैसी औरतें ऐसे गलत काम करती हैं, वो भी सिर्फ एक सर्वाइवल के लिए। गलत काम मैंने भी किया और मैं भुगतूंगी, जैसे वो एम एस जरिया भुगत रहे हैं, हुस्ना भी भुगतेगी। बुराई करने वाला मर्द हो या औरत, मकफाते अमल से कभी नहीं बच सकता। सही कह रही हूँ, मेरा दिल बहुत उदास है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। परवेज भाई आप खुश रहें, उसना मुझे भी बहुत याद आएगी, लेकिन शायद उसना को हम कभी याद नहीं आएंगे। उसके लिए तो हम इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर थे।
कितने दिन और चलेगी ये कंट्रोवर्सी? मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी कदम जमा लूँगा। समंदर पार कॉन्फ्रेंसेस और मशायरों में आने की हसरत तुम दिल में लिए मर जाओगी। और अब मैं बताऊँगा सारी दुनिया को कि तुम खुद नहीं लिखती थी, न तुम न तुम्हारा टोला। मैं खूब समझ गया हूँ तुम्हें, इस ग्रुप का हिस्सा हो। तुमने जो करना था कर लिया, अब मुझसे बच के दिखाओ। मैं अहमद जरियाब नहीं जो औरतों के चक्कर में हवालात में पहुंच जाऊंगा। बहुत जल्द तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। जियो फेंसिंग की रिपोर्ट आज शाम तक मिल जाएगी, सारा सिचुएशन क्लियर हो जाएगा और आप इस केस से रिहा हो जाएंगे। मैं जानता था, मेरे लॉयर्स के कॉन्टैक्ट्स ने, अगर वो कुछ भी ना करता ना तब भी मैं रिहा हो जाता। दिला शायद ना भी होते, सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया काफी खिलाफ है आपके। सर मेरे खिलाफ नहीं है, पैनी के कातिल के खिलाफ है, और वो मैं नहीं। मैं बता दूंगा, देख लेना। किस कदर बेहिस और मगरूर हो तुम अहमद जरियाब। हाँ तो तुम्हारी अम्मा आई थी, कह रही थी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। आपकी बदनामी की वजह से ना मामा को ये ताल्लुक नहीं कबूल, शायद इसलिए आई हो। देखो अदीला, तुम मेरी बीवी हो, अगर तुम मेरी शोहरत में शरीक रही हो तो मेरी बदनामी में भी तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। भाग क्यों रही? कहाँ भाग रही? ठीक है, अगर तुम भाग नहीं रही हो तो ऐसा करो कि अपनी माँ से आइंदा कभी नहीं मिलना, और ना उसको घर में आने देना। जल्दी हम दोनों से बहुत मुमकिन है आपको आज ही रिहा करते हैं। बच्चों को उस औरत के असर से दूर रखो। कब तक पता था तो अब क्यों रो रही हो? रोना तो आ जाता है ना, कितने ख्वाब देखे थे मैंने, गली में टेंट लगेगा, देखें पकेंगी और कुछ नहीं। क्या हो गया, कोई मर गया है क्या? अभी तक तो कोई नहीं मरा, लेकिन हमारा अंदाजा है कि शायद परवेज तुमसे शादी ना कर। अंदाजा नहीं है, साफ साफ कह कर गया। पता नहीं किसने उसका दिमाग खराब किया। उसका दिमाग कौन खराब करेगा भला, जो हुस्ना चाहती थी वही हुआ है ना। छाजो, पहले तो उसे इस नहज तक पहुंचाया, अब मिन्नतें समाजते करेगी। कहाँ हो तुम? अभी वापस आओ घर। हाँ बात करनी है मुझे तुमसे, आओगे तो बताऊंगी, अभी वापस आओ। तुम्हें हम पर रहम नहीं आता? तुम लोगों को उस बेचारे पे रहम आया, बिन माँ के बच्चे पे? अपनी गुनों की पूरी लड़की उसके सर चिपकाना चाहते थे। सारा कसूर ना हुसैन भाई का है, पहले अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की से शादी की और उसके बाद उस हुस्ना को खूब बिगाड़ा। उस लड़के को तो हमेशा गैर ही समझा, सिर्फ अपनी बेटी को अपनी बेटी समझा। मिल गई ना हमें सजा, अब तो तुम खुश हो ना?
मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों पर खुशी नहीं होती। मुझे खुशी तब होगी जब कुछ जहां आ रहा कहां गई थी? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, कहां गई थी? परवेज भाई से मिलने गई थी, हुस्ना की कोई बात करनी थी। हमारे ददियाल में शादी होने वाली है, इतना सब कुछ हो गया और तुम अब भी उस मनहूस हुस्ना की जान क्यों नहीं छोड़े? मामा परवेज भाई हुस्ना से शादी नहीं कर रहे। क्यों? मामा परवेज भाई बहुत सादा इंसान है, लेकिन सादगी का मतलब ये थोड़ी है कि वो बेवकूफ़ हैं। और अहमद दरियाब हमें बेवकूफ़ बनाते रहे क्योंकि हम उनसे बेवकूफ़ बनते रहे, और हुस्ना भी यही समझती रही। मगर परवेज भाई मैडम अदीला नहीं है। आप इन सबको दफा कर सकती हो? प्लीज जहां आ रहा अब इस बाप को खत्म करो। तुम्हारी पुप्पी तुम्हारे डैड से बात कर रही है, पहले भी बात करी थी, अब पता नहीं क्या उनको कान भर रही है। और मुझे ये फिक्र थी कि कहीं तुम उस फ्रॉडी से मिलने ना गई हो। इतनी भी अहमक नहीं हूँ मामा मैं। हो, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मैं भी उतनी अहमक हूँ। ये हमाकत में भेजे थे ना उसे फूल, तुम भी तो मेरी बेटी हो। मामा मुझे फख्र है कि मैं आपकी बेटी हूँ, और अच्छाई बुराई गलती हर इंसान करता है, आप भी तो इंसान ही है ना। जब तुम ऐसे बात करती हो तो मुझे लगता है एक ना एक दिन तुम सच्ची शायरा बन जाओ। वादा को दरियाब साहब, हमें ना तो जियो फेंसिंग में और ना ही फॉरेंसिक रिपोर्ट में आपके किसी भी तरह इस कत्ल में मुलव्वस होने के कोई भी सबूत नहीं मिले। तो आप आज़ाद हैं, अभी कुछ ही देर में आपकी अहलिया और आपके वकील आ रहे हैं, कोई ज़रूरी कार्रवाई होगी उसके बाद आप रिहा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं बेकसूर हूँ। सिगरेट प्लीज़। मैंने आपको बताया था ना कि उस बेचारी को चीज़ें चुराने की आदत थी। मेरे इश्क में गिरफ्तार थी वो, फिर शुरू में हमदर्दी थी, लेकिन जब मामला खराब होने लगा तो पीछे हट गया। और फिर वही ब्लॉग और फिर खुदकुशी के वक्त मेरी टाई बेचारी। लेकिन वाज़ेह है कि ये मुहिमा अभी तक हल नहीं हुआ है। हाँ, ये बात और एक है, आपका इस हादसे में कोई ताल्लुक नहीं मिला। आज़ादी, यह हादसा भी कितने लोगों को कैसे कैसे खाद खा गया। मेरी रिहाई उनके इरादों पे पानी फेर देगी। एस्ट्रे मिल जाएगी। खड़क
ये तुम क्या फजूल बातें करते फिर रहे हो सबसे? क्या फजूल बात? यही कि मुझसे शादी नहीं करोगे तुम? हाँ, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि हम दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। क्या बकवास, छाजों ने कान भरे हैं ना तुम्हारे? नहीं। अच्छी तरह जानती हूँ, वही है फसाद की जड़। अभी दिमाग ठीक करती हूँ उसका। छाजो बाजी, अब भी अपना सामान उठाएं और मेरे घर से चलती फिरती नजर आए। मेरे घर में रहकर मेरे खिलाफ साजिशें करती फिर रही हैं आप। मेरा सरकारी मकान मुझे बहुत पहले अलॉट हुआ। हाँ तो जाके अपने सरकारी मकान में रहना, मेरे घर में क्या कर रही हैं? चली जाऊंगी, लेकिन हुसैन भाई से ये जरूर पूछ लेना कि ये घर किसका था और उन्हें किसने दिलवाया। और तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये यतीम खाना नहीं है जहाँ पे अब्बू ने सारे जानवर इकट्ठे कर रखे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? हाँ, आप बीच में मत बोले, मत बोले। ड्रामे बात सौतेली माँ, यही सब चाहती थी ना? यही चाहती थी, इसीलिए तो हलवे बना बना कर खिलाती थी तावीज वाले इनको, ताकि ये सब हो जाए। मिल गई कलेजे को ठंडक। क्या हुस्ना, हुस्ना ये जाहिल, ये गवार, इससे शादी करती मैं? मगर आपने, आपने इस घर के अंदर ऐसा माहौल बनाया कि मुझे इस जाहिल, इस गवार के लिए शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। अब क्या फैलाएंगी, क्या फैलाएंगी? ये फैलाएंगी कि इस जाहिल गवार ने छोड़ दिया है मुझे, ये शादी नहीं करना चाहता मुझसे। यही कहेंगी आप, यही कहेंगी, क्योंकि आप सुतेली हैं। और तुम निकलो, हो गया ड्रामा, खत्म हो गया, अब और ड्रामा नहीं होगा मजीद यहाँ पे। जो चाहते थे ना तुम, कर दिया तुमने। मेरी किसी बात की ना तुमने कल परवाह की ना आज। जानती हो कैसे बदनामी फैल रही है? अहमद जरियाब की बदनामी है वहां, उनकी शोहरत की तरह खूब फैलेगी। हदीला तुम कब निकलोगी उसके शहर से? लोग तो मुझे फोन कर रहे हैं ना। ऐसा कीजिए, थोड़ी देर ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। माँ हूं तुम्हारी, कोई गैर होती ना तो कब की दूर हो चुकी होती। हमा प्लीज, अब तो सब खत्म होने वाला है, चंद दिन या चंद घंटे और अहमद जरियाब आजाद हो जाएंगे। जेल से आजाद होगा, लेकिन अपनी झूठी अना और गंदी हरकतों से नहीं, ना ही वो माजी से, वो वैसे ही रहेगा। ना करें ऐसी बातें, बस जो मैं कर रही हूं मुझे करने दें। मिसेस बेक का फोन आया था, पैनी का कातिल सब उसी को समझते हैं, अब लोगों की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती। मामा हम मॉब जस्टिस में तो नहीं बिलीव करते ना, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तब तक अहमद सरियाब मुजरिम नहीं मुलजिम है, एक बाइज्जत शहरी। बाइज्जत, काश तुम्हें जल्दी अकल आ जाए। आप बस दुआ करती रहें, अकल भी आ जाएगी। मैं ना अभी जा रही हूँ, बच्चों से नहीं मिलूंगी क्योंकि वो 100 सवाल करेंगे, शाम को आती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रिहा हो गया। आ जाओ जहां, सब आ गए।
मामा मैं ये मंगनी नहीं कर सकती। पागल हो गई हो? क्यों नहीं करोगी? अगर मैं ये शादी फरीद से करती हूँ तो मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मामा मैं उसे कभी बेवकूफ नहीं बनाऊंगी और ना ही उसका कभी इस्तेमाल करूंगी। और मैं उससे शादी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वो मुआशरे में मेरी शील्ड बन सके। और मेरे ऊपर शादीशुदा का लेबल लगे। तो फिर किस लिए करोगी? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अब्बू की तरह मुझ पर शक नहीं किया। सब जानते हुए भी ना अब्बू अहमद जरियाब जैसे घटिया इंसान थे और ना ही फरीद। मामा अगर हम हर बार अच्छे लोगों का इसलिए इस्तेमाल करते रहेंगे क्योंकि वो हमें इस्तेमाल नहीं करे तो दुनिया में तो सिर्फ बुरे लोग ही रह जाएंगे। चार। मामा मैं फरीद से शादी करूंगी और उसे वही इज्जत दूंगी जो एक अच्छे और सच्चे इंसान को मिलनी चाहिए। ना तो मैं उससे कभी झूठ बोलूंगी और ना ही उसे कभी छुप के शायरी करूंगी। उसकी गुलामी करोगी तुम? गुलामी का मामा? गुलाम तो अहमद जरियाब हमें बना रहा था। फरीद ने तो जर्फ का मुजाहरा किया है। और अब्बू, अंकल शफीक, फरीद ये सब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सारी बातें हम ना रात को करेंगे। अभी चले, सब वेट कर रहे हैं। अहमद जरियाब रिहा हो गए तो कुछ नहीं, मैंने वो ग्रुप लीव कर दिया जहां पे ये खबर आई थी। मामा मुझे ये झूठी दुनिया के झूठे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना। मैं पहले पढ़ूंगी, अपने आप को काबिल बनाऊंगी और फिर खुद शायरी करूंगी और आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन बिना किसी सहारे और झूठ के। इंशाल्लाह जो तुम्हें सही लगे वही करो, जो तुम्हारे दिल के। बच्चों सामान सारा रख लिया गाड़ी में? शुक्र है हम लोग घर तो जा रहे हैं। इतने दिनों से स्कूल भी नहीं जाने दिया नानू आपने। जरूरी था बेटा, लेकिन आप घर में पढ़ तो रहे थे। अब कल से जाइएगा स्कूल। और हाँ, अपने बाबा के बारे में कोई बात स्कूल में मत कीजिएगा। क्यों? आपकी मामा बता देंगे। पता है मुझे, आप सब बड़े मुझे और अभिरेशम को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हमें सारी बात पता चल जाएगी। मैं तो दुआ मांगूंगी मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊँ और आपके मामा के बीच की सारी बातें सुन लूँ। मैं भी यही दुआ करूंगा। अच्छा चलिए, अब जल्दी से ये भी रखवाइए। मिराज भाई। जी बाजी। गाजरें कद्दूकश हो गई हैं, बस बाकी का काम आप ख़त्म कर लीजिएगा, मैं साहब को लेने जा रही हूँ। ठीक है भाई। वैसे एक बात कहूँ बाजी? आप आज भी उनकी इतनी परवाह करती हैं? उनकी पसंद का गजरेला और कीमा खुद अपने हाथों से बना रही हैं और इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी। मिराज भाई, ये दोनों चीज़ें मेरे दोनों बच्चों की भी पसंदीदा। आप बस गजरेले को देखिए। ठीक है। बच्चों की आने की आवाज़ आ गई है। हाँ, वो शायद मैं गेट खुला छोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। ड्राइवर के साथ बच्चों को भेजना मुनासिब नहीं लगा इसलिए खुद ले आई। चलती हूँ मामा। आप जरिया आपके पास गई थी? ओह, तो उसने बता दिया तुम्हें?
ये भी कहा होगा कि अपनी माँ से मत मिलना, उसको तुमने रिहा भी करवा लिया, बच्चों को भी बुलवा लिया, हमेशा की तरह अपनी ही चलाई, फिर मुझे क्यों रोक रही हो? मामा प्लीज। अतीला बस अब अपने फैसले के बोझ के नीचे खुद ही जियो, चलती हूँ।